नौशहरा सीट से बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट और नौशहरा सीट से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनके हारने के बाद उन्होंने जो है वो अपने प्रेसिडेंट के अहदे से जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। ये समय का सबसे बड़ा अपडेट है जो कि हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि नौशहरा सीट से एनसी के कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार चौधरी जी ने जो है वो जीत दर्ज की है और लगभग 35,069 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के रविंद्र रैना को 27,250 वोट मिले हैं। लेकिन इस बीच रविंद्र रैना की तरफ से अपने ऑफिशियल पेज पर जो है वो ये जानकारी साझा की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों खासकर जम्मू के लोगों को जो है वो इस असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को वोट देने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 29 असेंबली सीटें जीत कर जो है वो अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। और उन्होंने ये कहा है कि मैं लोगों का दिल से जो है वो ये कहें कि उन्होंने शुक्रिया अदा करता हूं और हम नौशहरा असेंबली इलाके से जो है वो हार गए हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ नौशहरा में लोगों के फैसले को जो है वो स्वीकार करता हूं। हालांकि उन्होंने नौशहरा सीट से अपनी ये कहें कि हार को लेकर भी जो है वो दुख जताया है। लेकिन इसी के साथ साथ हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इन असेंबली इलेक्शंस में भारी जीत से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे आएगी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट शेयर भी जो है वो हासिल किए हैं, ऐसा उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर साझा किया है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर दुख भी व्यक्त किया है कि जिस तरह से नौशहरा से उनकी हार हुई है और उसके बाद ये सब होने के बाद उन्होंने जो है वो बीजेपी के जो यूटी प्रेसिडेंट की एक जिम्मेदारी उन्हें मिली थी उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और अब देखने वाली बात है कि बीजेपी द्वारा किसे जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी का यूटी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, क्योंकि सतपाल शर्मा जी की बात करें तो बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, क्या उन्हें जो है वो अब इसमें प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, किसको बनाया जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन रविंदर रैना की बात करें जो हमेशा ये कहते थे कि गड्डी चली पुंछ चोरी मैं तक्का चोरी चोरी नारो बाबला, तो आज इसको लेकर भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि इन्हें यहाँ पर याद कर रहे हैं। और कई सारे लोग हैं जो कि आज कहीं ना कहीं ये कहें कि अपने काफ़ी ज़्यादा उनके चेहरों पर मायूसी आ चुकी है क्योंकि रविंदर रैना की जो हार हुई है तो वो बड़ी ही एक ज़बरदस्त हार है। एनसी के जो कैंडिडेट हैं सुरेंद्र चौधरी जी ने बड़ी ही बुरी तरह से इन्हें जो है वो हराया है और नौशहरा सीट पर जो है वो अपना कब्जा यहां पर किया है। तो आप लोग भी अपनी अपनी राय ज़रूर साझा करें कि अब आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने लगभग 42 सीटों पर जो फिलहाल वो अभी लीड कर रहे हैं और बीजेपी की बात करें तो 29 सीटों पर बीजेपी है। कांग्रेस की बात करें तो वो 6 सीटों पर है और पीडीपी 3 सीटों पर फिलहाल अभी आगे चल रही है। और जेपीसी की बात करें तो इसमें एक ये बताया जा रहा है कि एक जो है वो एक सीट पर ये लीड कर रही है और वहीं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो 7 के करीब बताए जा रहे हैं कि वो इसमें जो है वो लीड कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी राय ज़रूर साझा करें कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि इसमें जो है वो कौन जो है वो आगे आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 21 सीटों पर ये माफ़ कीजिएगा 48 सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर चुकी है जबकि एक सीट पर अभी भी लीड कर रही है, और यानी कि कुल मिलाकर 42 सीटों पर जो है वो कब्जा जमा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है जबकि 2 सीटों पर अभी भी जो है वो आगे लीड कर रही है। वहीं आपको बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो 6 सीटों पर जो है वो यहाँ पर कब्जा कर चुकी है और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो 3 सीटों पर ये भी जो है वो कब्जा कर चुकी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 1 सीट पर कब्जा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये भी 1 सीट पर जम्मू कश्मीर में कब्जा जो है वो कर चुकी है। वहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो 7 के करीब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो जीत कर आगे आ गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है जो किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में रहेगी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला द्वारा साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर का जो CM होगा वो उनके बेटा उमर अब्दुल्ला होंगे। और अब आगे के लिए क्या कुछ रहेगा, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जहां तक आसार ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की सरकार यहां पर बनेगी और जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला हैं जिन्होंने बडगाम से MLA की इलेक्शन जीती है वो वहां पर जो है वो इसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है वो बैठ सकते हैं, यानी कि वो जम्मू कश्मीर के CM हो सकते हैं। और देखने वाली बात है कि आगे के लिए क्या क्या होगा, लेकिन पल पल की अपडेट जिस तरह
से हम आप तक जो है वो लगातार साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौशहरा में एक जबरदस्त जो मुकाबला रहा है उसके बाद आज कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी को भी नींद आना जो है मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तमाम कैंडिडेट्स ने जो है वो बढ़ चढ़ कर दिन रात जो है मेहनत करी थी, और उसके बाद जब इस तरह के नतीजे सामने आए हैं तो हर किसी की नींद जो है वो अब उड़ चुकी है, खासकर जिन लोगों की हार हुई है। सुरेंद्र चौधरी जी ने 35,069 वोट जो है वो नौशहरा सीट से हासिल किए हैं, जिसमें रविंदर रैना की बात करें जो एक बहुत बड़ा चेहरा थे और उन्हें लगभग 7819 वोटों से जो है वो लीड करके हराया है, और रविंदर रैना ने 27,250 वोट लिए हैं। लेकिन ये सब होने के बाद, रविंदर रैना की हार होने के बाद, उन्होंने खुद के ऑफिशियल पेज पर ये जानकारी साझा की है कि वो बीजेपी के प्रेसिडेंट के अहदे से रिजाइन करते हैं, और साथ ही साथ यानी कि लोगों ने जिन्होंने लोगों ने उनको वोट डाला है उनका भी उन्होंने जो है वो शुक्रिया अदा करा है। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा कर। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून, जय जवाहर।